कल महेंद्र सिंह टिकैत थे, आज राकेश टिकैत है, परसों कोई और टिकैत जी आ जाएंगे किसान नेता बन के। अब तो पारिवारिक आपका पूरा काम हो गया है ये किसान का नेतागिरी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये प्रोटेक्टिव सिस्टम कब तक होगा? आप एविएशन इंडस्ट्री को लेके, विमान उड़ते हैं, आप तो पढ़े लिखे हो, पूरी दुनिया देखी हुई आपने। प्राइवेट कंपनी आई, एंड यूजर को फायदा होता है, सस्ते में टिकट मिलता है। प्राइवेट कंपनियों को आपको खोलना, ये बाजार को खोलने की बात तो महेंद्र सिंह टिकैत भी करते थे, हमने कह रहे कभी तो सोचना पड़ेगा ना आपको अगला कदम के। जो MSP है उस पर आप कानून बना दो कि जो सरकार ने MSP तय करेगा उन्हीं का ही मैकेनिज्म था रेट तय करने का, उसके कम पे खरीद नहीं होगी, कोई खरीद नहीं, लेकिन उससे कम पे खरीद नहीं होगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ठीक है उससे कम पे खरीद। तो फिर बाकी तीनों कानून रह जाए तो दिक्कत नहीं है ना? कह रहा कि और भी चीजें हैं उसमें भी नया कानून बना नहीं है, क्या दिक्कत है? लेकिन उनका ईगो को आगा के कानून हटाने नहीं है, ये सरकार की वो है। अच्छा ये बताइए, कानून सड़क पे तो बनता नहीं है टिकैत साहब, कानून तो संसद में बनता है, जो बात बार बार सरकार कह रही है तो वापसी होगा। वो 18 महीने होल्ड करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग उसके लिए भी राजी नहीं है, आप लोगों को उसमें भी परेशानी है। 18 महीने बाद में फिर आएगा वो बीमारी, जो हो बीमारी को तो वहीं की वहीं काट दो। अगर किसी का कैंसर हो गया तो उसको खत्म करेंगे या करेंगे कि 3 साल तो बीमारी में शरीर का जो हिस्सा बीमार होगा उसका ऑपरेशन करेंगे, पूरे शरीर को चीर फाड़ कर देंगे। ये अब ये तय कर लिया कि पूरा का पूरा ये वापसी होगा और नया बनाना होगा तो नया बनाना। बाकी किसानों से बातचीत चल रही है कि नहीं चल रही है आपकी? मैंने सुना है वो चढ़ूनी साहब ने कहा है क्या, अक्टूबर 2 अक्टूबर का इन्होंने डेडलाइन दे दिया है, हम ऐसा डेडलाइन नहीं मानते। वो लंबा चाह रहे ना, वो लंबा चाह रहे चढ़ूनी जी भी, लंबा चलेंगे। हाँ पर चल रही नहीं चल रही आप लोगों की? मुझे लगा है कि उन लोगों को लगता है आपने हाईजैक कर लिया। हमारे आजकल 40 के 40 लीटर है और उन्हीं का ही आंदोलन है, वही 40 लोग हैं और वही पूरे देश भर में जा रहे हैं। लेकिन एक चीज ये बताइए, किसान आंदोलन के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत पार्टियां आप खूब सियासत, उधर राहुल गांधी राजस्थान में रैली कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी भी सरकार चलानी है। ऐसा ना हो कि आपके किसान आंदोलन के भरोसे उन लोगों की चुनावी जीत हो जाए और आप लोगों को कुछ मिले ना, इस पर नजर है कि नहीं? भाव चाहिए, हमें तो भाव चाहिए। किसका भाव चाहिए? फसलों के भाव चाहिए। और उनको सियासी फायदा दिख रहा है ना, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा हमें क्या मतलब है सियासी फायदा? कह रहे आजकल सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं राकेश टिकैत साहब, आपने कहा है ऐसा? नहीं नहीं ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हमने बिल वापसी की बात करी है, सत्ता वापसी की नहीं करी, हम सत्ता तो आप धमकी तो दे रहे हैं, डर जाओगे, धमकी भी देते हो, धमकी दे रहे हैं आप? हम धमकी किसको देते हैं? क्योंकि हम सरकारों को धमकी नहीं देते, हम तो सरकारों से बात करेंगे, इन्हीं सरकारों से, जिसकी भी सरकार है, हम किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं करते। पार्टी एक सबका वो होता है, उसका मंदिर की तरह होती है पार्टी, तो हम उसके भी खिलाफ नहीं जाते। हमारा ये है कि सरकार हमारे से बात करे, उस पर काम करे। तो आप चाहते हैं कि सरकार की ओर से आप लोगों को बुलावा भेजा जाए ताकि अगले दौर की बातचीत हो सके? बातचीत शुरू।